फरवरी का महीना लगभग आधा होने को आ गया है और मौसम में थोड़ी सी गर्माहट भी आने लगी है। बहुत सर्दी की वजह से जो फूल हमारे अच्छे से नहीं खिल रहे थे, अब उन फूलों ने थोड़ा अच्छे से खिलना शुरू कर दिया है। आइए मैं आपको अपनी बालकनी में दिखाती हूँ कि इस समय कौन कौन से फूल मेरी बालकनी में खिल रहे हैं। और ये सर्दियों के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा खिलने वाले फूल हमारे पिटूनिया के। पिटूनिया सबसे ज़्यादा फूल देने वाला विंटर का एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। और ये मैं एक सैपलिंग लेकर आई थी और देखिए इसमें से किस कैसे गुलदाउदी की जो है वैरायटी निकली है। इस तरीके की गुलदाउदी की वैरायटी पहली बार ही मेरे बालकनी में खिली है, नहीं तो वो हमेशा कॉमन सी वैरायटी जो होती है वही खिलती है। इन फूलों को खिले हुए काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, अब बस ये स्पेंट होने वाले हैं। और ये हमारा हाइब्रिड वाला क्लांचू, इसकी कुछ कटिंग मुझे कहीं से मिली थी और मैंने लगाई थी, उसमें कुछ बर्ड्स बनी हुई थी और देखिए और ये बर्ड्स उसमें बहुत छोटी थी और अब ये भी खिलने वाली हैं, तो मेरी कटिंग्स ये चल गई हैं। मैंने दो छोटे छोटे से पॉट्स में इन कटिंग्स को लगा दिया था। देखिए इसमें भी अब बर्ड्स बन रही हैं कई जगह से। वैसे भी ये जो है क्लांचू के जो खिलने का समय होता है वो फरवरी के टाइम में ही होता है, जब सर्दी थोड़ी सी कम हो चुकी होती है और थोड़ी सी मौसम में गर्माहट आने लगती है। ऐसे मौसम में ये क्लांचू अच्छे से खिलते हैं और हाइब्रिड वाले हमारे यहाँ थोड़े कम बच पाते हैं। देखते हैं कि अगले साल तक बचेंगे या नहीं। और ये मेरा हाइब्रिड वाला हिबिस्कस येलो के अंदर रेड, देखिए कितनी ढेर सारी बर्ड्स से भरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा सर्दी में इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक गई थी, अब जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आई है तो देखिए इसमें बर्ड्स काफ़ी सारी बनने लग गई हैं। और ये हमारा बोगनविला वाइट वाला, देखिए पत्ते आपको एक भी नज़र नहीं आएंगे बट इनके अंदर जहाँ जहाँ से नोड एरिया है वहाँ वहाँ से फुटाव हो गया है और फूलों ने खिलना शुरू कर दिया है। मेरे इस प्लांट के भी सारे पत्ते झड़ गए थे और अब धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े से पत्ते नए आए हैं, लेकिन फूल आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये देसी वाला हिबिस्कस, फ्रेंड्स अगर सर्दियों में आपके प्लांट की पत्तियाँ भी येल्लो हो गई हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देसी वाला ठंड के मौसम में थोड़ा सा जो है पत्तियाँ अपनी गिराने लग जाता है और पीली करने लग जाता है, ये मौसम के सडन चेंज की वजह से होता है। अब जैसे ही देखिए बाहर आ चुकी है, बसंत पंचमी निकल चुकी है, अब इसमें फिर से नई नई सारी पत्तियाँ आएंगी और इसके अंदर फ्लावरिंग भी होगी। और ये अपने विंटर के पेंसी, ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। पेंसी, पिटूनिया, डॉग फ्लावर, इन सब ने बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करी है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ठंडक पसंद होती है, लेकिन धूप कम निकलने की वजह से इस बार कई सारे प्लांट्स पर बहुत असर पड़ा है। विंटर के प्लांट्स को दिन के समय में धूप भी काफ़ी अच्छी चाहिए होती है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार विंटर्स बहुत ही अच्छे पड़े हैं और लंबे खिंच गए हैं और धूप कई कई दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। और देखिए गजानिया, अभी सुबह का टाइम है, पूरा धूप इस पर नहीं पड़ी है तो अभी ये पूरे नहीं खिले हैं। गजानिया तो आपको पता ही है धूप आते ही खिलते हैं और धूप छिप जाने के बाद बंद हो जाते हैं। और ये डॉग फ्लावर देखिए इस तरीके से जब बंच हमारा स्पेंट हो जाए तो इन्हें साथ साथ कट करते जाइए ताकि साइड से और नई ब्रांचेस निकलें और उन पर नई कलियां बने और आपको ऐसी ही फ्लावरिंग जब तक ये फूल खिलाएं आपको मिलती रहे। सेम ऐसे डायंथस के साथ भी है, जहाँ जहाँ से मेरी इसमें एक बार फ्लावरिंग का लॉट पूरा आ चुका है तो मैंने कट कर दिए थे, अब और नई नई ब्रांचेस आ गई हैं और उन पर नई नई बर्ड्स बन रही हैं, तो दो चार दिनों में फिर से ये पूरा पॉट भर जाएगा। और फ्रेंड्स ये ग्लाडिया है जो कि गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, मुझे कहीं से इसकी सैपलिंग रोड साइड मिल गई थी, मैं ले आई और देखिए इतने बड़े हो गए हैं। नवंबर के मंथ में मैंने ये लगाए थे और इसमें अभी कई फूल खिल भी चुके हैं और कई सारी बर्ड्स बन रही है। देखिए कुछ सैपलिंग ये ख़राब भी हो गई है। और ये गेंदा देखिए आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये इसके ऊपर जो कीड़ा लग गया है तो अब ये नहीं ग्रोथ करेगा। ये साल्विया, ये दो बार फ्लावरिंग कर चुका है और ये अब तीसरे लॉट की इसकी फ्लावरिंग है। एक बार स्पेंट हो जाने के बाद उस बंच को आप वहाँ से कट कर दीजिए, फिर साइड से न्यू शूट्स निकलेंगी और उस पर नए बंच। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बोगनविला, देखिए पत्ती आपको कहीं गिनी चुनी ही लीव्स दिखेंगी लेकिन फ्लावरिंग अपने पूरे रूटीन पर है। जैसे ही जो है एक फ्लावरिंग ख़त्म होती है कुछ दिन रेस्ट के बाद ये फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और ये हिबिस्कस मेरा मिनिएचर वाला, इसकी भी लीव्स कुछ कम हो गई हैं, ये अगेन एक और बोगनविला मैजेंटा कलर में।
मेरा सबसे फेवरेट प्लांट फ्रेंड्स यही है, जिसकी हमें बहुत कम टेक केयर करनी पड़ती है, बहुत कम खाद पानी देना पड़ता है और हर मौसम में आपको लगभग ये फ्लावरिंग देता ही रहता है। और ये मेरा डबल पेटल वाला पिटूनिया, जिसने इतनी सर्दियों भर में मुझे एक बार भी फूल नहीं दिए, अब थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ है, देखिए इसमें बर्ड्स बन गई हैं, ये पर्पल कलर का है तो अब काफ़ी सारी बर्ड्स बन गई हैं, पूरा बर्ड से भर गया है, बस कुछ ही दिनों में ये भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। और ये अपनी पर्सलिन गर्मियों की, देखिए मौसम में हल्की सी गर्माहट आई और इसने न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर दी। हमने इसकी कटिंग कर करके मैंने इसी पॉट में इसको छोड़ दिया था और अब उस सब ने जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और ये लेंटाना जो कि अभी गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, एक बार ही मेरी विंटर में फ्लावरिंग कर चुका है, ये हाइब्रिड वाला है और मैंने इसके ऊपर से कट कर दिए थे बंच और अब देखिए फिर दोबारा देखिए नए बंच बन गए हैं और इस पर कलियाँ बनने लग गई हैं, देखिए फिर से ये फूलों से भर जाएगा। ये मेरा रेड कलर का लेंटाना है हाइब्रिड वाला। इस समय फ्रेंड्स सरसों की खली का फर्टिलाइज़र विंटर्स में प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने वही लिक्विड फर्टिलाइज़र दो बार दिया है। और ये देखिए काफ़ी सारी ये ऑर्नामेंटल चिलीज मेरी इसमें लग गई हैं, मैं इसमें से कुछ चिलीज तोड़ भी चुकी हूँ, किचन में मैंने इनको यूज़ भी किया है अपनी वेजिटेबल में। और ये मधुकामनी में भी देखिए, वैसे तो पूरे साल ही ये फूल देता रहता है बट बहुत हार्श विंटर जब होते हैं तो थोड़ा सा इसकी फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है। अब देखिए फरवरी में फिर इसमें ढेरों कलियां बनने लग गई हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मेरे इसके पत्तों में मिट्टी है कई प्लांट्स के, क्योंकि अभी सर्दी बहुत थी इसलिए मैंने प्लांट्स को वॉश नहीं किया है। और ये मेरा हाइब्रिड वाला मिनिएचर वाला हिबिस्कस एक और, ये तो हमारा पूरे साल भर ही लगभग फूल देता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, बस खाद पानी का आप ध्यान रखिए इनकी। और ये कुंदा, इस प्लांट ने फ्रेंड्स मुझे विंटर भर इतने ढेरों फूल दिए हैं, इतने ढेरों फूल जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस फूलों के बंच आप स्पेंट जाने के बाद ऐसे तोड़ते जाइए फ्रेंड्स, हर लीव नोड एरिया से इसके फूलों के बंच निकले हैं और इतने ढेरों फूल फ्रेंड्स कि एक एक दिन में आप एक पॉट में कम से कम 50 से 60 फ्लावर्स मैंने काउंट करे हैं, उससे भी ज़्यादा, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग करी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्लांट फ्रेंड्स। और देखिए कितना फैल गया है, और अभी ये मैंने अक्टूबर लास्ट में ही मैंने इस प्लांट को अपनी बालकनी में ऐड किया है। और ये देसी वाला क्लांचू देखिए, बस अब इसमें कलियाँ आने ही लगा ली हैं, मैंने इसमें अच्छे से खाद पानी दिया, काफ़ी टाइम से मैंने इसमें खाद नहीं दी थी तो देखिए इसमें अब कलियाँ बनने वाली हैं और अब ये पूरा भर जाएगा और काफ़ी फैल गया है, नीचे नीचे से इसमें छोटे छोटे से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। ये देसी वाला फ्रेंड्स हमारे घर यहाँ साल भर बना रहता है, बस गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी लेकिन प्लांट्स आपका ये सर्वाइव करता रहता है और अपनी ग्रोथ भी करता रहता है। और ये मेरा पर्पल वाला टिकोमा फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मौसम में बाहर आई है तो बस इसमें न्यू शूट्स कई जगह से निकलनी शुरू हो गई हैं और अब इसमें भी फ्लावरिंग होएगी। और ये हाइब्रिड वाला हिबिस्कस फ्रेंड्स देखिए, बहुत सर्दी में थोड़ा सा इनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ा था, एक एक फूल को खिलने में काफ़ी दिन लग गए थे जब बहुत ज़्यादा ठंड थी जनवरी में, और अब देखिए फिर से जो है इनमें काफ़ी अच्छी अच्छी ढेरों कलियाँ बनने लग गई हैं। और हमारे गुलाब ने एक बार फिर से कलियाँ बना दी हैं, बहुत ही प्यारा फ्रेंड्स इसमें फूल खिलता है, डबल डिलाइट का एकदम शेड वाला। और ये जेड प्लांट मैंने जहाँ से इनकी कटिंग ली थी विंटर्स में, इसकी भी फ्रेंड्स ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, अब देखिए अब इसमें भी न्यू शूट्स जगह जगह से निकलने लगी हैं, मैंने इसकी दो तीन जगह कटिंग लेकर लगाई थी तो वो कटिंग मेरी लग गई है, देखिए मैंने यहाँ इस पॉट में लगा दी थी तो ये कटिंग मेरी चल पड़ी है और उस प्लांट्स में से भी अब न्यू शूट्स निकलने लगी है। और ये हमारे बास्केट में लगे हुए कुछ विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी गार्डनिंग।